अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी, मैंने अपना व्लॉग किया है आज फिर शाम को। आपको पता है मेरा व्लॉग बनाने का कोई टाइम नहीं है। जब मैं देखती हूँ कि मुझे व्लॉग बनाना चाहिए तो फिर मैं बनाती हूँ। आज बस कुछ सारा दिन बस अजीब सा ही गुजरा है, क्या बताऊँ। तो बस कुछ काम शाम किया और खाना मैंने आज नहीं बनाया था, तो अभी मैं कुछ बनाने लगी हूँ शाम के खाने के लिए। और मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, देखिए मौसम काफ़ी चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं ज़रा किचन में कि किचन में हम क्या करने लगे हैं। किचन में मैंने कल बनाई थी कढ़ी, पड़ा हुआ था मेरा सालन, कढ़ी पकौड़ा बनाया था। और दिखाती हूँ पकौड़े भी हैं, ये मत समझिएगा कि पकौड़े नहीं हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं मैं कुछ ऐसी बनाती हूँ, ये मेरी कढ़ी। तो ये मेरा ना सालन बच गया था, तो फिर मैंने नहीं सही मैंने कहा छोड़े नहीं बना दी हूँ। और मैं बनाने लगी थी, अब उसके साथ मैं राइस बनाऊँगी। और मैं बनाने लगी हूँ जी, मैं आपको दिखाती हूँ मैक्रोनिस, ये वाली मैक्रोनिस बनाने लगी हूँ जो मुझे अच्छी लगती है मैक्रोनिस। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। और इसके लिए कुछ ये मेरे पास सब्ज़ी है, अभी मैंने गाजर मंगवाई, कुछ शिमला मिर्ची है। मैं सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी क्योंकि आपको पता है कि मैं आजकल थोड़ी सी सब्ज़ियों की तरफ ज़्यादा सब्ज़ियों को ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी कर लिया क्योंकि मैं आजकल हेल्दी खा रही हूँ, बाहर का सारा जंक फूड छोड़ दिया मैंने, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें और प्लीज़ 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 बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि मेरी वीडियो की हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मैं अभी मैक्रोनिस बनाऊँगी अपने लिए, और इसके लिए मैं बस प्याज ली है मैंने दरमियाने साइज़ की, कुछ शिमला मिर्च थी एक बड़ी बड़ी साइज़ की थी, और आधा फूल गोभी था, बंद गोभी जो होता है आधा आधी आधा वो पड़ा हुआ था मेरे पास। तो आपको पता है बंद गोभी काटने से वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैं अभी प्याज काटती हूँ और आपको बताती हूँ। तो प्याज मैंने बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मुझे बस प्याज छोटे छोटे करना है, बहुत ज़्यादा मुझे ना कलर नहीं लाना प्याज में। अब देखिए प्याज में इतना कलर नहीं लाना, बस हल्का हल्का सा ब्राउन करना है। बस ये तकरीबन हो चुके, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना मुझे, इसको भी हल्का हल्का सा बस सोते करना है। तो ये सब्जियों में जितना थोड़ा थोड़ा कच्चा पन रहेगा उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, उतना ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। अब मैं इसमें डालूँगी बाकी थोड़े से मसाले, तो मैं भी इसमें डालूँगी मसाले, नमक मैंने डाल दी है। इसमें मैं डालूँगी कलवंजी, काली मिर्च और चाट मसाला। तो मैं पहले थोड़ी सी कलवंजी डाली है कि मुझे बहुत ज़्यादा मसाले नहीं खाने, ब्लैक पेपर में ज़्यादा डालती हूँ। और मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, इसमें डालूँगी जी थोड़ा सा ज़्यादा चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं आयल मैंने बिल्कुल कम रखा है। मैं जब तक मैंने वो मंगाई, गाजर भी मंगाई है तो वो नहीं थी मेरे पास, वो भी मंगवाई है मैंने। मैं सब्ज़ियाँ इसमें ऐड करूँगी, तो सब्ज़ियों में आपको पता अपना पानी भी छोड़ूँगी सब्ज़ियाँ। और मैंने आपको बताया मैं सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे मैंने गाजरें भी इसमें ऐड कर दी, आपको बताया था कि मैंने गाजर मंगाई है और मैं सब्ज़ियों का आपको पता इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। हम सब ने खानी है इसलिए आपको ज़्यादा लग रही होगी, तो इसलिए आपको पता है बंद गोभी जो है वो जब ये नज़र आ रही है फूली फूली, लेकिन जैसे बनती है तो ये बैठ जाती है। तो अब साथ में चावल मंगवाए हैं तो मैं साथ साथ वो भी बनाती हूँ।
तो गाइज़ मैं अब यहाँ पे चावल बना रही हूँ, ये मैंने भिगो दिए 5-10 मिनट के लिए। और ये मेरा यहाँ पे क्योंकि ये सीन आया और उनको लगी है भूख, मेरा भी इरादा बनाने का नहीं था, लेकिन अभी दोनों में से एक चीज़ भी तैयार नहीं हुई तो उनको भूख लगी हुई है और वो मुझे कह रहे हैं प्लीज़ जल्दी बनाए। फिर आपको पता सारा दिन के बाद वो आए हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैं सभी चावल भी बनाती हूँ और फीडबैक दिया कीजिए जी आप हमें, और अच्छे से कमेंट्स कीजिए किया कीजिए, और प्लीज़ बताइए आज किस किस ने राइस बनाए हैं। और मैं तो राइस ये नहीं कि मैंने सब कुछ छोड़ा है, मैं सब कुछ खा रही हूँ, लेकिन मैं क्वांटिटी में खा रही हूँ सब कुछ, सब चीज़ों का इस्तेमाल मैंने किया कर रही हूँ। रोटी भी खाती हूँ लेकिन आधी खा लेती हूँ कभी, और जैसे आज सुबह मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए तो बस दिन को मैंने कावा चाय, और चाय तो नहीं खैर पी थी, चाय तो छोड़ ही दी है, और सैलड खा लिया है और फिर इस तरह की चीज़ें। अभी भूख लगी है तो मैं उसके साथ पानी डालूंगी। तो गाइस राइस भी मैंने डाल दिए हैं और मैक्रोनीज मेरी रेडी हो गई है, देख सकते हैं आप बहुत टेस्टी बनी है। तो अब राइस भी बनेंगे तो फिर हम एक साथ खाएंगे क्योंकि उनको भी भूख लगी है। तो ये थी मेरी आज की मैक्रोनीस जो बहुत टेस्टी, और आपको पता मैंने कलवंजी भी डाली कि कलवंजी मैं अपने हर खाने में डालती हूँ आजकल। तो बस राइस भी मैंने रख दी इनकी आज पे, मैक्रोनीज मेरी बन गई है। और बस आज सुबह पता है यासीन गए हैं तो आज सुबह यासीन अपने लिए देखे ना, आज सुबह का इनका मिल्क खजूर मिल्क ऐसे ही पड़ा है, आज उन्होंने बिल्कुल नहीं पिया और बस मुझे सारा दिन टेंशन ही रही है। तो आज पता नहीं आज इनको क्या हो गया, पी की नहीं गई इनको जल्दी 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 में, और सारा दिन मुझे भी था कि उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और सारा दिन गुजर गया। तो मेरी इनकी इनसे इन्हीं बातों पर लड़ाइयाँ होती हैं बस, ये मानते सुनते ही नहीं है। फिर मैं इनको कहती रहती हूँ आपके फ़ायदे के लिए करती हूँ, आपके फ़ायदे के लिए करती हूँ, बस यार भूल गया इन्हें याद रहा, क्योंकि तो अपनी सेहत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है ना। हल्का कर देते क्योंकि राइस सवारी हमारे कच्चे हैं जी। ये मेरा रात का डिनर देखो, मैक्रोनीज, ये मेरी चटनी बनाई है, ये मेरा सैलड। मैं क्वांटिटी खाऊंगी लेकिन थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें खाऊंगी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खाना मुझे। तो ये मैं साथ सालन भी गर्म कर रही हूँ। तो चावल मैंने दम पे लगाए हुए हैं, राइस बहुत अच्छा है। तो ये गाइस हमारा रात का डिनर, सैलड चटनी, और ये मेरा, तो ये यासीन अभी खाने लगे हैं खाना, तो खाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस हम लोग अपना खाना खा चुके हैं। तो ये था मेरा आज रात का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा मुझे आप लोगों को आज का ब्लॉग। तो कल किसी अच्छे और नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।